जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, फलों का सबसे महत्वपूर्ण फल आम है। क्या आपको मालूम है, विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन अपना ही देश करता है। दोस्तों, देश में कई किसान इजरायली तरीके से आम के बागान लगा रहे हैं, जिसे अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आम की खेती करने से इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अनुसार आम की बाग से कैसे और कितनी आमदनी होती है? तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इस तरीके की आम की बाग से होने वाली आमदनी का गणित। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है क्या। दोस्तों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करना इनपुट और कुछ संसाधनों की प्रति यूनिट अधिकतम संभव रिटर्न का दोहन करना होता है। आम भाषा में कहा जाए तो कम जगह में ज्यादा पौधों को लगाना और उत्पादन भी ज्यादा लेना। हाल के वर्षों में आम के पेड़ों में उच्च घनत्व रोपण प्रणाली यानी कि हाई डेंसिटी प्रणाली के अनुसार अपनी उपज क्षमता के कारण निवेशकों के प्रति ये जो प्रणाली है काफी लोकप्रिय हो रही है। यानी कि हमारे किसान बंधु जो नई बाग लगा रहे हैं वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अनुसार लगाकर काफी उत्पादन लेना चाहते हैं, या फिर जो किसान कर चुके हैं वो ले रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि पारंपरिक तरीके से आम के बागान जो लगाए जाते हैं उनमें एक एकड़ में 30 से 40 पेड़ ही लग पाते हैं, क्योंकि उनकी दूरी 10 मीटर गुना 10 मीटर रखी जाती है, यानी कि 33 फीट गुना 33 फीट होती है। जबकि इसी तरह हाई डेंसिटी प्लांटेशन विधि में जो है 200 से 250 पेड़ लगाए जाते हैं। और हाई डेंसिटी के अलावा आजकल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन विधि में जो है एक एकड़ में 700 पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन आजकल कई किसान जो है 700 से भी ज्यादा यानी कि एक एकड़ में 1100 तक के पेड़ भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जब पेड़ ज्यादा होंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा और आमदनी भी ज्यादा होगी। दूसरे दोस्तों, इस विधि में बाग लगाने से तीसरे वर्ष से आमदनी शुरू हो जाती है। फल तो पहले साल ही आ जाते हैं, लेकिन दो वर्ष तक किसान फल नहीं लेते हैं, क्योंकि पेड़ को बढ़ने का पूरा मौका दिया जाता है। पांचवें और छठे साल से भरपूर उत्पादन शुरू हो जाता है, जबकि पारंपरिक बागान में 10 से 12 साल के बाद ही भरपूर उत्पादन शुरू होता है। दोस्तों, जब आम के बागान लगाए जाते हैं तो शुरुआती दौर में उनके बीच में जो है काफी जगह खाली होती है। उन जगहों में हम दूसरी फसलें उगाकर अपनी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन विधि से लगाए गए आम के बाग से भरपूर उत्पादन की स्थिति में एक एकड़ में कैसे और कितनी आमदनी होती है, तो चलो जानते हैं इसकी पूरी गणित। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि आजकल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन विधि में आम की बाग में 1100 पेड़ लगाए जाते हैं और इनको मानकों के अनुसार यानी कि खेत में अगर विधिवत देखरेख की जाए तो आपको मालूम है एक पेड़ से 25 से 30 किलोग्राम आम लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक एकड़ में लगभग 30 टन तक का उत्पादन होता है। चूंकि देखभाल अच्छी होने के कारण आम की क्वालिटी भी अच्छी होती है और पेड़ ऊंचे ना होने के कारण इनकी तुड़ाई भी हाथ से होने के कारण दाग धब्बे भी नहीं होते हैं, तो इन आमों के फलों की मार्केट में कीमत भी अच्छी मिलती है। किसानों के अनुसार इससे 40 से 50 रुपए प्रति किलो हिसाब से बिक्री हो जाती है। तो एक एकड़ में 30 टन फल से लगभग 12 से 15 लाख तक की आमदनी हो जाती है। दोस्तों, ये आमदनी किस्मों पर और भौगोलिक स्थिति और वातावरण और मौसम पर भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर ये सब कुछ अच्छा होता है तो उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन ये तो है दोस्तों, इस सघन बागवानी से आम की बाग लगाकर पारंपरिक खेती से तो कई गुना ज्यादा आमदनी की जा सकती है। साथ ही बता दूं दोस्तों, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन विद आम के अलावा नींबू, सेब, नाशपाती, लीची, अमरूद आदि फलों की भी खेती करने लगे हैं किसान भाई।
तो दोस्तों आजकल कई किसान जो है बागवानी की खेती की तरफ काफी रुझान कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जो है आम की बागवानी पर विचार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल